नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ, जो है बायो रिच प्रीमियम का स्किन वाइटनिंग ब्लीच है। ये काफ़ी अच्छा ब्लीच है। ये इंस्टेंट ग्लो के लिए, जैसे HD ग्लो चाहिए आपको, इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा ब्लीच है ये। तो चलिए इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं पहले आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जैसे पैकेट मैंने आपको बताया वो है एक्टिवेटर, और यहाँ पे एक स्पून भी मिला है मुझे बॉक्स के अंदर। तो इस स्पून से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो जैसे कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि हमें एक्टिवेटर कितना लेना है और उसका क्रीम कितना लेना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि अपने स्किन के हिसाब से ही मैंने लिया है, तो मुझे मेरे स्किन के हिसाब से कितना चाहिए वो मैंने लिया है। तो यहाँ पर लोशन लिया है मैंने, जो ब्लीच का ये लोशन है स्किन वाइटनिंग के लिए। और जिसका भी रंग सांवला होगा या डार्क स्किन है ना, उसके ऊपर तो काफ़ी बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है। तो मैंने कम से कम मेरे स्किन के हिसाब से लिया है। तो आधा चम्मच आप पूरा भर के ले सकते हैं अगर आप अपने स्किन के हिसाब से लेना चाहते हैं। मैंने आधा चम्मच से, मेरा थोड़ा हिस्सा ही कम है, आप चाहे तो आधा चम्मच आराम से हमारे स्किन पर, आराम से पूरे फेस पर और हमारे नेक पर यूज़ हो जाता है अच्छे से। तो सेकेंड अभी हम एक्टिवेटर लेंगे यहाँ पे। तो ये स्ट्रेंट, जैसे कि हमें कहीं जाना है या फिर स्ट्रेंट आपको ग्लो चाहिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छा ब्लीच है ये, और इसके बारे में जो भी इंग्रेडिएंट्स और जो भी इसकी MRP है, मैं आगे आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इसे कैसे यूज़ करना है ऑयली स्किन पर और ड्राई स्किन पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो वो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो पूरा कंटिन्यू आगे ज़रूर देखिएगा, और मैंने अप्लाई करके भी बताया है। तो देखिए, मैंने एक्टिवेटर भी साइड में यहाँ पे डाला हुआ है। तो मैं एक्टिवेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा गोल्डन हेयर पसंद नहीं है। ये हमारे स्किन को क्लीन भी करता है, और जो हमारे फेस पर हेयर होते हैं उसे गोल्ड करने का काम करता है। तो मैंने आधा चम्मच से भी कम, एकदम कम, मतलब मैंने यहाँ पे एक्टिवेटर लिया है। आप अपने स्किन के हिसाब से लीजिएगा, अगर आपको पता है कि आपकी स्किन को कितना एक्टिवेटर लगता है और कितना लोशन लगता है, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। तो इसके एप्लीकेशन सारी चीज़ें आगे दी हुई है, और इसे कितना टाइम तक अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो ये बायो रिच का प्रीमियम स्किन वाइटनिंग शीनेर ब्लीच है ये, इंस्टेंट HD ग्लो, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। इट गिव्स ए ब्राइटेस्ट वाइट ग्लो टू योर स्किन, बहुत ही अच्छा है ये। और ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो मुझे फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। तो चलिए अभी इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स इतना अच्छे से करना है हमें, जैसे कि इसकी जो एक्टिवेटर हमने यूज़ किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो इसे मिक्स करने में कम से कम आपको 1 मिनट लगे तो भी चलेगा, बट इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जब तक इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तब तक अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो अभी इसको मिक्स करके हो चुका है, तो चलिए अभी हम इसे अप्लाई कर लेते हैं फेस पे। तो इसे अप्लाई करने से पहले हमारा फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर क्लींजर होगा कोई कौन से भी ब्रांड का, तो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो पानी से, जैसे मैं स्पंज अच्छे से सोक करके मैं से पूरा फेस क्लीन कर रही हूँ, और पानी बिल्कुल ही नहीं लगना होना चाहिए। तो इसे मैं पानी की सहायता से क्लीन कर ले रही हूँ, और बिल्कुल ही ऑयल लोशन बिल्कुल ही फेस पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छी तरीके से ब्लीच नहीं होता है। अब मैं जो पानी एक्स्ट्रा होगा उसे हम पूरा अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे फेस पे। तो उससे पहले आप अपने हेयर को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हेयर पे ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने का, तो इसे अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से कवर कर लिया हेयर को, क्योंकि हमारे हेयर गोल्ड नहीं होने चाहिए इसलिए। तो अभी से हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो जैसे मैंने बताया है कि इसे ऑयली स्किन पे थिक लेयर यूज़ कीजिएगा, और आपकी ड्राई स्किन है तो आप थिन लेयर यूज़ कीजिएगा इस ब्लीच को। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे चेहरे की जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे रिमूव करने का काम करेगा, और इसे अप्लाई करने के बाद एक आप मॉइस्चराइजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शन है ब्लीच के बारे में, वो सारी मैंने आज शेयर की है आप लोगों से।
तो देखिए मैंने पूरा अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लिया, तो कम से कम मैं इसे 10 मिनट या तो 7 ही मिनट रखने वाली हूँ, पर इसे 10 से 15 मिनट आप रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है वो। तो अभी हम मिरर में ऐसे चेक कर लेंगे कि ब्लीच हुआ है कि नहीं। अगर हम खुद से ब्लीच कर रहे हैं तो मैं इस तरीके से मिरर में चेक कर लेती हूँ, तो वो अच्छे से दिख जाता है। अगर आपके हेयर पूरे गोल्ड हो जाते हैं, लाइट गोल्ड ही रखिएगा, अगर वो पूरे अच्छी तरीके से हो जाते हैं मतलब ब्लीच हो चुका है। अगर नहीं हुए हैं तो आप 2 मिनट या 3 मिनट एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, उसके बाद आप रिमूव कीजिएगा। और पूरा फेस पानी से बिल्कुल ही मत धोइएगा, मैं जैसे स्पंज से पोंछ रही हूँ उसी तरीके से पोंछिएगा, क्योंकि पानी से अगर हम डायरेक्ट धोएंगे तो आँखों में भी जाने के चांसेस है। इसके लिए आप स्पंज से ही धोइएगा और पोंछिएगा अच्छे से। तो देखिए अभी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, पहले मैंने स्पंज से क्लीन किया, उसके बाद मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये स्क्रब, और मैं वीक में 2 टाइम ज़रूर यूज़ करती हूँ इसे। तो आप ब्लीच के बाद स्क्रब यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्लीच के बाद हमारा फेस ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरी गंदगी चेहरे से निकल जाती है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ब्लीच करते हैं तो तुरंत धूप में मत जाइएगा, और धूल मिट्टी के एरिया में बिल्कुल ही हमें अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो मैं ब्लीच के बाद हमेशा स्क्रब करती हूँ। स्क्रब के बाद अगर आपके पास कोई पैक होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की आप उस तरीके से आप अपने चेहरे की देखभाल कर सकते हैं, स्किन केयर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये स्क्रब के बारे में मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस वीडियो में। तो इसमें ब्लीच की बात करूँ तो ये ब्लीच जैसे कि मुझे 70 रुपये में मिला हुआ है, और इसमें अलग अलग चीज़ें जैसे यूज़ की गई हैं, जैसे कि इसका जो लोशन है वो 32 ग्राम्स का है, और जो एक्टिवेटर है वो 6 ग्राम का है। तो मेरा यहाँ पे स्क्रब यूज़ करके हो चुका है, अभी मैं इसे भी अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि स्क्रब में भी दाने होते तो हमें डायरेक्ट वॉश नहीं करना चाहिए, तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है चेहरा, अच्छे से एकदम ही क्लीन कर लिया है मैंने स्पंज से, फिर उसके बाद मैं फेस वॉश करके आप लोगों से मिल रही हूँ। और लास्ट में मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, जो वाव का है, काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि मैंने स्क्रब की और वाव की एलोवेरा जेल की वीडियो बनाई है, तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो इसे भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से सोक कर लेंगे फेस पे। और इस ब्लीच को आप महीने में एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपके चेहरे की जो भी गंदगी और आपके हेयर जो ब्लैक हो जाते हैं उसे गोल्ड करने का काम करेगा, जो फेस वैक्स नहीं करते हैं उनके लिए। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे इसका, और ये इस ब्लीच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बायोरिच की अच्छा है ये भी ब्रांड, बायोरिच का स्किन वाइटनिंग ब्लीच है, और जिसकी भी स्किन डार्क और सांवले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा निखार आने वाला है। तो आप कहीं जाते हैं या कहीं फंक्शन है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टेंट ग्लो के लिए, HD ग्लो के लिए है। तो मेरा आज का ये वीडियो था ब्लीच को लेके, तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। सो बाय, टेक केयर।